आर्थिक बल, युवाओं को बल के अंतर्गत 5 अवयव है, उस पर काम हो रहा है। अवसर बढ़े, आगे बढ़े। हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, हर सब डिवीजन में, हर जिले में महिला आईटीआई, पैरामेडिकल संस्थान, जीएनएम संस्थान और हर सब डिवीजन में हम लोग आईटीआई और एएनएम इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं। इस पर तेजी से काम हो रहा है। और नए मेडिकल कॉलेज, मैं तो केंद्र सरकार को बधाई देता हूँ कि आपने भी हमें नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए अपनी सहायता दी। तो एक एक काम के लिए हम लोग अपनी बात जरूर कर रहे हैं। और बिहार एक पिछड़ा राज्य, सबको मालूम हम लोगों का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, आबादी का घनत्व तो है देश में सबसे ज्यादा, लेकिन फिर भी हम लोग बुलंदी के साथ और मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। और जो विकास का दर है, 2009 से बिहार का विकास का दर चल रहा है। और हम लोग अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं कि 17-18 में बिहार का विकास दर देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा 11.3% हो चुका है। हम यही आग्रह करेंगे, आपका सहयोग मिलता रहे। हर क्षेत्र में और हम लोगों को जो हम लोग कर सकते हैं उसको कर ही रहे हैं। और आपको हम लोग बता देना चाहते हैं, जो काम आप लोगों ने आपने किया संविधान में संशोधन करके जो अनारक्षित तबके के लोग हैं, आर्थिक आधार पर उनको 10% आरक्षण का प्रावधान किया। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, हम लोगों ने बिहार में कानून बनाकर संविधान संशोधन के आधार पर कानून बनाकर उसको लागू कर दिया। और अभी आर्थिक आधार पर जो आरक्षण लागू हुआ, नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित हुआ है राजस्व विभाग का, और उसके लिए हम लोगों ने रोस्टर भी बना दिया है। एक एक काम हम लोग तेजी से करते हैं। और इसके अलावे बिहार में इतना काम के अलावे हम लोगों ने महसूस किया कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं, सब लोगों को वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोगों ने तय किया कि हमारे बिहार में 8 लाख उम्र वाले लोगों को, स्त्री हो या पुरुष, आज उनको वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रहा है, या वो सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त नहीं हुए, वैसे तमाम लोगों को राज्य सरकार अपनी एक योजना उसने हम लोगों ने बना दिया, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। उन सबों को हम पेंशन का लाभ देंगे जो हम लोगों को उस पेंशन का लाभ मिला। और ऊपर एक मार्च से ही हम लोगों ने वैसे सारे किसान लोगों का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ करा दिया और तेजी से ये काम हो। और 1 अप्रैल 2019 से इसका लाभ बाकी जितने हमारे 60 साल के ऊपर के लोग हैं, जिनको वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिला, अब उनको यह भी पेंशन मिलेगा, परिवार में उनकी। तो इस तरह से और हम लोगों ने कोसवासी प्रखंड को घोषित किया है शिक्षा क्रम, हम लोग ऊपर भी लगे और उसके लिए हम लोगों ने अच्छी तरह से दी है। हम लोगों ने लाभ देना 1 मार्च से शुरू कर दिया। एक एक काम आएगी और यह विकास के साथ हम लोग चाहिए। और आप लोग
सत्याग्रह करेंगे। बापू ने कहा